भाइयों बहनों, मैं तो इतना ही आप सबको कहना चाहता हूँ कि ये जो स्थान है और इस स्थान पर जो भगवान ने हम सब पर कृपा की है कि किसी ने यहाँ पर जन्म भगवान ने किसी को दिया है और किसी को यहाँ पर जुड़ने का सौभाग्य मिला है, ये हम सब लोग इस पूरे क्षेत्र में जीवन जी रहे सभी लोग सौभाग्यशाली हैं। और विशेषकर तो इस पूर्वांचल क्षेत्र के एक एक गांव का वासी सौभाग्यशाली है। जहां से राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया जाता है, जहां से राम राज्य की स्थापना के लिए जयघोष की घोषणा को आगे बढ़ाया जाता है, जहां से राम राज्य की स्थापना के लिए उम्मीद दिखती है, ऐसे स्थान पर भगवान ने आप सबको जन्म दिया है। ये पीठ और इस पीठ के जितने भी कार्य, सेवा कार्य, समाज की सेवा के हों, समाज के उत्थान के हों, प्रकृति के उत्थान के हों, धर्म की रक्षा के हों, ये सभी उत्थान कार्य इस पीठ के द्वारा संचालित किए गए। उन सभी कार्यों के अंदर इस क्षेत्र के जुड़े हुए इस क्षेत्र के वासियों का एक एक व्यक्ति का उसके अंदर सहयोग रहा, ये हम सब के लिए गर्व का विषय है। इस पीठ के साथ जुड़कर आप सब भी आज जिस प्रकार से पूरे भारतवर्ष में राम राज्य की स्थापना के लिए एक उम्मीद जगी है, ये उम्मीद को पूरा केवल मात्र इस पीठ के महंत ही नहीं अपितु इस पूरे क्षेत्र में गोरखपुर वासी सब लोग मिलकर पूरा करेंगे, इस भाव से हम सबको मिलकर काम करना होगा। आज पूरा देश आप सबकी ओर देख रहा है। आप सब जानते हैं, आज कहीं भी जाते हैं, गोरखपुर का नाम लेते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के मुख पे एक प्रसन्नता आती है, आपको बड़े गर्व के साथ में देखता है, वो बड़ी उम्मीद के साथ में देखता है, वो बड़े विश्वास के साथ में देखता है। वो उसके विश्वास पर खरा उतरने का काम आप सबको मिलकर करना होगा। आज भारत की संस्कृति को स्थापित करने का काम आप सबको मिलकर करना होगा, तभी हम सब लोग मिलकर भारत की जनता की उम्मीद और भारत की जनता के विश्वास को हम पूरा कर पाएंगे। ये हम सब का दायित्व है। यहाँ पर सभागार में बैठे हमारे आने वाले पीढ़ी के हमारे होनहार छात्र छात्राओं का विशेषकर दायित्व है, समाज के सभी सामाजिक संगठनों का नेतृत्व करने वाले हर एक व्यक्ति हर एक संगठन का दायित्व है, गोरखपुर में जन्मे, गोरखपुर की आसपास की पूरी धरा पर जन्मे एक एक व्यक्ति का दायित्व, आपका विशेष दायित्व बनता है कि आज आपसे उम्मीद पूरा भारत रखता है। और मैं मानता हूं कि भारत के साथ साथ में पूरी दुनिया, ये पूरी दुनिया के समग्र जितनी भी सभ्यताएं हैं सबको आप सबसे उम्मीद है। आप सब देख रहे हैं कि कितना आज दुनिया के अंदर अराजकता का माहौल है, किस प्रकार से दुनिया के अंदर वर्चस्व की लड़ाई है, एक दूसरे को अपने आप से बढ़कर बताने की लड़ाई है। दुनिया में कहीं भी शांति नहीं है, अगर दुनिया में शांति लाने का कोई काम करेगा तो ये सनातन धर्मी करेगा, और सनातन धर्मियों को आगे ले जाने का काम आप सभी गोरखपुर वासियों का है, इस गोरखपीठ का है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम सबको इस गोरखपुर पीठ के उद्देश्य को अपना उद्देश्य मानकर, अपना धर्म मानकर, अपना कर्म मानकर देश की उम्मीदों पर हम सबको मिलकर खरा उतरना है। ये ठीक उसी प्रकार से एक बहुत विद्वान गुरुजन ने अपने शिष्य को ज्ञान दिया और शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु महाराज, गुरु की भक्ति का अर्थ क्या है, गुरु स्थान का महत्व क्या है। तो गुरु महाराज ने शिष्य से कहा कि वो फल की टोकरी पड़ी है, उसमें से एक सेव उठाकर लेकर आओ। शिष्य सेव लेकर आया और गुरु महाराज के सामने रखा और गुरु ने शिष्य को कहा कि सेव के चार टुकड़े करो, अमनिया करो। शिष्य ने सेव के चार टुकड़े किए, गुरु महाराज ने कहा कि अब इस सेव में से क्या निकला। तो शिष्य ने कहा कि इसमें से बीज निकला। तो गुरु ने कहा कि बीज में क्या है।
तो शिष्य ने कहा कि बीज में छोटा सा एक वृक्ष है, वृक्ष में क्या है? तो शिष्य ने कहा वृक्ष में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वृक्ष में क्या है? वृक्ष में कहा कि फल हैं, अनेकों फल हैं, अनगिनत फल हैं। और उस फल में क्या है? फिर शिष्य ने कहा कि उसमें भी एक बीज है। ठीक उसी प्रकार से उस बीज की भांति एक एक गोरखपुरवासी को, एक एक व्यक्ति को जो गोरखपीठ से जुड़ा है, एक एक सनातन धर्मी को ऐसे पूज्य पवित्र स्थानों से उस आशीर्वाद को ग्रहण करके उस बीज की भांति अपने आप को बीज मानकर हमें पूरे भारतवर्ष के अंदर वृक्ष पैदा करने हैं। और पूरे भारतवर्ष के अंदर हम सबको उस भारत भूमि से जन्मे वृक्ष को पूरे विश्व भर के अंदर उस बीज की भांति हम सबको जाकर इस पूरे विश्व को फलीभूत करना है। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना होगा। अच्छाई बुराई के बारे में हम सब जानते हैं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये हम सब जानते हैं, और मनुष्य जीवन का स्वभाव भी है। आप सब देखते होंगे कि जब हम दुर्गंध के पास से गुजरते हैं तो हमारा मुंह चिड़चिड़ा हो जाता है, हम मुंह बना लेते हैं, अपना नाक बंद कर लेते हैं, मुंह बंद कर लेते हैं। कर लेते हैं कि नहीं कर लेते? ये स्वभाव है मनुष्य का। और ठीक उसी प्रकार से जब हम खुशबू की तरफ से गुजरते हैं तो हमारा मन प्रसन्न हो जाता है, हमारा चेहरा खुशी से झूम उठता है, मन गुदगुदाने लगता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छाई और बुराई का कर्म है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा भी मन प्रसन्न होगा, हमारे आसपास का वातावरण भी प्रसन्न होगा। और हम अगर बुरे कर्म करेंगे तो जिस प्रकार से बदबू को देखकर हमारा मन दुखी होता है, ठीक उसी प्रकार से बुराई के पथ पर चलकर हम सब भी दुखी होंगे और समाज भी दुखी होगा। इस भाव से हम सबको अपने जीवन को लगाना है। इस भाव से हम सबको महंत और हमारे श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज, जिनका जीवन में कुछ नहीं है केवल जनता के हित के कल्याण के लिए, केवल अपने गुरुजनों के बताए हुए पथ पर आगे बढ़ने के लिए, आज यहाँ पर मंच पर अनेकों विद्वान संत बैठे हैं। हमारे दोनों महान पुरुष योगेश्वरों के जीवन के अंदर कोई भी छोटा सा मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई कर्म में, ना कोई वाणी में, ना कोई भाव में, ना कोई सेवा में छोटा सा भी दोष मात्र नहीं निकाल सकता। केवल निकाल सकता है तो व्याख्या कर सकता है उनके जीवन की, कोई निकाल कर सकता है तो केवल उनके जीवन के अंदर जो उन्होंने सेवा कार्य किए उनका विस्तार कर सकता है, व्याख्या ही उनका जीवन था। और हमको भी उसी प्रकार से जिनका केवल धर्म, जिनका केवल उद्देश्य, जिनका केवल कर्म मानव जीव का उत्थान करना है, अपने भारत का उत्थान करना है, अपनी संस्कृति की स्थापना करनी है और मानव जीव के अंदर शांति की स्थापना के साथ साथ में सद्भाव की स्थापना को आगे बढ़ाना है बिना किसी भेदभाव के। आप सबने देखा होगा तो गोरखपीठ का इतिहास रहा है, नाथ संप्रदाय परंपरा का इतिहास रहा है कि समाज में कहीं भी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जो अपनी गीता के अंदर ज्ञान दिया, उस ज्ञान को मूल रूप से सार्थक महासिद्ध योगी गुरु गोरक्षनाथ की परंपरा ने समाज के अंदर आगे बढ़ाने के लिए काम